बता दें कि कुछ दिन पहले ही ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट की एक यूनिट में जहरीले गैस के रिसाव के कारण 4 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। राउरकेला स्टील प्लांट के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना स्थल पर सिर्फ 4 मजदूर मौजूद थे जिनकी मौत हुई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्लांट के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। यह हादसा जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था। हादसे में मरने वाले 4 मजदूर स्टील प्लांट के कोल केमिकल डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। हादसा सुबह 7:30 पर हुआ था। हालांकि गैस रिसाव का कारण पता नहीं चल पाया था। इस दुखद घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए थे। इस हादसे में बेहोश हुए श्रमिकों को भी तुरंत इलाज के लिए राउरकेला के इस्पात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे में मरने वालों की पहचान गणेश चंद्र पेला, अभिमन्यु साहू, रविंद्र साहू और ब्रह्मांड पांडा के रूप में हुई है। ये सभी श्रमिक ठेके पर रखे गए थे। ठेकेदार का कहना था कि मौके पर श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मास्क समेत कई जरूरी इंतजाम किए गए थे, लेकिन लगता है श्रमिकों ने उनका प्रयोग नहीं किया था।